स्वागत एक बार फिर आपका हिम टेक पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हिंदी का पेपर टू। बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि हम आपका हिंदी का जो सेट का एग्ज़ाम है उसके लिए आपको क्वेश्चन पेपर लेकर आए। तो क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, 50 क्वेश्चन आपको आएंगे इसमें और 100 मार्क्स के एग्ज़ाम हो गए, क्योंकि अब पेपर टू और थ्री जो मर्ज कर दिए गए उनको तो अब आपके दो ही पेपर हो गए। तो पेपर थर्ड जो किस प्रकार से आपको क्वेश्चन आते हैं वो अलग से हम आपको जानकारी दे देंगे। पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है, किस प्रकार से आपका पेपर होगा पूरा आप इसको पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा एचपी सेट, एचपी पीएससी का जो पहले पिछले वर्ष 2018 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे सॉल्व। लास्ट में हम आपको आंसर की ऑफिशियल जो है वो बता देंगे, आप चाहे तो उससे आप मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, ये आपको बताना है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है ये आपको बताना है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो ये बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर टू है, इनमें से कौन सा ग्रंथ अवधी भाषा में रचित नहीं है। नहीं है मीन कौन ही है, कवितावली जो ये बिल्कुल सही है, कवितावली जो है ये अवधी भाषा में रचित ग्रंथ नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड था, जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत उद्भव शतक की भाषा है ये आपको बतानी है। तो ब्रज भाषा जो ये बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आएंगे और पैटर्न क्या है, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन आते हैं वो आपने देखना है। बाकी आपको एक बार आप ये समझ जाते हैं कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद आपको आगे पता चल जाएगा कि आपको क्वेश्चन आते हैं किस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर फोर है, हिंदी नई चाल में ढली किसका कथन है ये आपको बताना है। हिंदी नई चाल में ढली ये आपको बताना है किसका कथन है। तो किसका कथन है ये आपको बताना है, इसमें तो भारतेंदु हरीशचंद्र जो है ये बिल्कुल इनका सही आंसर होगा। मारवाड़ी किसकी उपभाषा है, क्वेश्चन नंबर फाइव का आपको राइट आंसर देना था। मारवाड़ी किसकी उपभाषा है, इसका जो राजस्थानी है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्न में से कौन सी ब्रजबोली के कवि है ये आपको बताना है। ब्रजबोली के कवि कौन है तो वो आपको उसमें बताना है। शंकर देव जो ये बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर सिक्स का भी बिल्कुल सही आंसर होगा। काशी नगरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी ये भी आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। काशी नगरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। तो 1893 में ये बिल्कुल सही आंसर इसका होगा। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर एट का जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो ब्राह्मी लिपि जो ये बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की है ये आपको बताना है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको देना है। दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की थी महात्मा गांधी द्वारा की गई थी, तो ये बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर टेन है, खड़ी बोली हिंदी का विकास अपभ्रंश के रूप में हुआ है ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका आएगा सोरसैनी जो ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर टेन का बी जो है बिल्कुल सही आंसर आएगा। और लास्ट में आपकी स्क्रीन पर हम आपको जो ऑफिशियल आंसर की है पिछले वर्ष के जो आपका एग्ज़ाम हुआ था सेट हिंदी का वो हम आपको बता देंगे। आप चाहे तो स्क्रीन शॉट लेकर बाद में उससे आप मैच कर सकते हैं इसको। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे ये आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको बताना है, प्रताप नारायण मिश्र जो ये बिल्कुल सही आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 12 था, हिंदी मानकीकरण की दिशा में कार्य संस्था है ये आपको बताना है। हिंदी मानकीकरण की दिशा में कार्यरत संस्था है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है ये बिल्कुल आपका सही आंसर इसका होगा। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक है ये आपको बताना है। और इसका जो जॉब ग्रेसन आएगा, जॉर्ज ग्रेसन, ये बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का जो बी है ये बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस प्रकाशन संस्था से प्रकाशित हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कृत हिंदी साहित्य का विकास सर्वप्रथम किस प्रकाशन संस्था से हुआ तो ये आपसे पूछा गया है। और इसका जो काशी नगरी प्रचारिणी सभा है ये बिल्कुल आपका सही आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 15 था, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है ये आपको बताना है। विश्वनाथ प्रताप मिश्र जो ये बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। इन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी थी। और ये क्वेश्चन आपसे फिर पूछा जा सकता है,
कुमान रासो की रचना किसने की, ये आपको पूछा गया है और इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। दलपत विजय जो ये बिल्कुल सही होगा, 16 का बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्वयंभू किस साहित्य परंपरा के कवि है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का आपको राइट आंसर देना है, स्वयंभू किस साहित्य परंपरा के कवि है, ये आपको उसमें पूछा गया है। तो जैन साहित्य जो ये बिल्कुल इसका सही आएगा। और आपको इसी प्रकार के ये क्वेश्चन आपको आए कि पीएचडी लेवल तक अगर आपका सेट है, स्लेट है, नेट है, जो भी है, आपको इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन आएंगे और इसी प्रकार से आपको हल इनको करना पड़ेगा। जसर चिरऊ किसकी रचना है, ये आपको बताना है। तो इसका जो पुष्प दंत है ये बिल्कुल सही आएगा, पुष्प दंत जो बिल्कुल सही है, जसर चिरऊ इसकी रचना है। नाथ साहित्य में आदिनाथ की संज्ञा किसे दी गई है, ये आपको बताना है। आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं और इसका जो राइट आंसर है वो आपको देना है। नाथ साहित्य में आदिनाथ की संज्ञा किसे दी गई है, तो ये आपको बताना है। तो शिव जो ये बिल्कुल सही होगा। और एक क्वेश्चन हम आपके लिए इसमें छोड़ेंगे, तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विद्यापति की काव्य भाषा है, ये आपको बताना है। तो इसका जो मैथिली, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्न में से किस आलोचक ने भक्तिकाल के उदय और इस्लाम को आक्रमण की प्रतिक्रिया माना है, इसमें आपसे पूछा गया कि किस आलोचक ने भक्तिकाल के उदय को, जो भक्तिकाल का उदय हुआ था, उसको इस्लाम के आक्रमण की प्रतिक्रिया बताया है, ये आपको इसमें पूछा गया है। रामचंद्र शुक्ल जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 था, अलवर संतों के आराध्य देव है, ये आपको बताना है। और ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसका राइट आंसर आपको देना है। अगर किसी को नहीं आता है तो फिर उसका जो राइट आंसर है वो हम आपको बता देंगे, क्वेश्चन नंबर 22 का, ठीक है। तो ये आपको हम बता देंगे कि कौन सा क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या, आपने क्वेश्चन का आंसर बताना है। विष्णु, शिव है, श्री कृष्ण, महावीर है, विशेष त्यागवाद के परिवर्तक कौन थे, ये आपको इसमें बताना है। तो रामानुजाचार्य जो, ये बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। और सोहेला के रचनाकार है, ये आपसे पूछा गया था पिछले वर्ष, सोहेला के रचनाकार है, ये आपसे पूछा गया था। और इसका जो नानक देव है, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। चंद्रायन किसकी भाषा, ये किस भाषा में रचित है, ये आपको बताना है। चंद्रायन किस भाषा में रचित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको देना है। अवधि में ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। मधुमालती किसकी रचना है, क्वेश्चन नंबर 26 है, और इसका जो राइट आंसर है वो आपको देना है। तो मंजन की जो है ये मधुमालती, बिल्कुल सही आंसर होगा। आश्चाप के किस कवि को पोस्ट मार्क का जहाज कहा गया है, ये आपको बताना है। आश्चाप के किस कवि को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो सूरदास जो, ये बिल्कुल इनका सही आंसर होगा। इस कलाता किसकी रचना है, ये आपको बताना है इसमें। इस कलाता किसकी रचना है, क्वेश्चन नंबर 28, और इसका जो घनानंद, ये बिल्कुल सही आएगा। इस कलाता इनकी रचना है, ठीक है। मीरा की भक्ति है, ये आपको बताना है। मीरा की भक्ति है, क्वेश्चन नंबर 29 है, और इसका जो राइट आंसर वो आपको देना है। मीरा की भक्ति के बारे में आपको इसमें पूछा गया, वात्सल्य, माधुर्य, दास्य या निर्गुण है, तो वो आपको इसमें बताना है। तो इसका जो आपका बी है, ये बिल्कुल सही आएगा, माधुर्य। रामचरितमानस के कितने कांड है, ये आपको बताना है। रामचरितमानस के कितने कांड है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 30, और इसका जो 7 है, ये बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। तुलसीदास कृत कविता बली किस भाषा में रचित है, ये आपको इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 है, और 31 का आपका जो वज्र भाषा है, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है वो आपको देना है। आपकी स्क्रीन पर आ रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र है, श्याम सुंदर दास है, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद है। क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है वो आपको इसमें बताना है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो श्याम सुंदर दास, ये बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। काश्मीर सुषमा के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है वो आपको बताना है कि कश्मीर सुषमा के रचयिता कौन है, किसके द्वारा ये लिखी गई है, ये आपको इसमें बताना है। श्रीधर पाठक जो, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो बी बिल्कुल सही है। पल्लव किसकी रचना है, ये आपको बताना है। पल्लव किसकी रचना है, ये आपको इसमें बताना है। तो सुमंत्रा नंदन पंत जो, ये बिल्कुल इसका सही आंसर होगा, पल्लव इनकी रचना है, ठीक है। नीड का निर्माण फिर किसकी आत्मकथा है, ये एक आत्मकथा है। नीड का निर्माण फिर
किसकी आत्मकथा है ये आपको उसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 और 35 का जो राइट आंसर है आपको वो बताना है। तो 35 का हरिवंश राय बच्चन जो है ये बिल्कुल सही आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 36 था, इनमें से किस कहानी पर फिल्म का निर्माण हुआ है, तो ये आपको मैंने बताया था पहले भी कि एक कहानी है जिस पर एक फिल्म बनी है, लाल पान की बेगम, परिंदे, आकाशदीप या तीसरी कसम। क्वेश्चन नंबर 36 और इसका आपको राइट आंसर देना है तीसरी कसम जो, ये बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। हालांकि परिंदे भी मूवी आपने नाम सुना होगा और परंतु इतनी जो इसकी स्टोरी है इसके बारे में इसमें जिक्र हुआ है। निम्न से किस नाटक के पात्र कालिदास से ये आपको बताना है इसमें, तो आषाढ़ का एक दिन जो है ये बिल्कुल इसका सही होगा, इसमें कालिदास एक पात्र है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा निबंध के निबंधकार कौन है, अयोध्या से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसी से आप ये बना सकते हैं। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के निबंधकार कौन है ये आपको उसमें बताना है। विद्यानिवास मिश्र जो ये बिल्कुल इसका सही आंसर होगा, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, इनमें से कौन सा रसवादी आलोचक है, तो रसवादी आलोचक आपका डॉक्टर नागेंद्र, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन पेपर अगर थर्ड चाहिए तो आप कमेंट जरूर करें, लेकर हम आज ही आपके लिए आ जाएंगे। कितनी नाबों में कितनी बार किस विधा की रचना है ये आपको बताना है इसमें, कितनी नाबों में कितनी बार किस विधा की रचना है तो ये आपको बताना है इसमें। तो कविता किस विधा की रचना है, किस प्रकार की रचना है इसमें ये पूछा गया है, तो ये कविता है, ठीक है। लाल टीन की छत के रचयिता कौन है, क्वेश्चन नंबर 41 है और आपको इसका जो राइट आंसर है वो बताना है। तो लाल टीन की छत है निर्मल वर्मा, ये बिल्कुल सही आंसर इसका होगा। चाणक्य किस नाटक का पात्र है ये आपको बताना है, चंद्रगुप्त जो ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन है ये आपसे पूछा गया था, और भरत जो ये बिल्कुल इसका सही आंसर होगा, नाट्यकार नाट्यशास्त्र के रचनाकार। ध्वनि लोक के रचयिता है ये आपको उसमें पूछा गया है, ध्वनि लोक के रचयिता कौन है ये आपसे पूछा गया है इसमें। और आनंद वर्धन जो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 43 का ए बिल्कुल सही आंसर होगा। साधारणीकरण अलबंतव धर्म का होता है ये किसकी उक्ति है ये आपको बताना है, साधारणीकरण अलबंतन धर्म का होता है ये किसकी उक्ति है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 है और इसका जो रामचंद्र शुक्ल है ये बिल्कुल सही होगा। कनक कनकते सो गुणी मदकता अधिकाय पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है इसमें, तो यमक जो ये बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट अगर आप देख रहे तो आपको ये पता होगा। दरिंदा किस के धारा के आलोचक है ये आपको बताना है, दरिंदा किस धारा के आलोचक है ये आपसे इसमें पूछा गया है। तो उत्तर आधुनिकता का जो ये बिल्कुल सही होगा, पौराणिक पात्र उर्मिला पर केंद्रित रचना है, पौराणिक पात्र उर्मिला पर केंद्रित एक रचना है कौन सी है वो आपको इसमें बताना है। तो ये जो राइट आंसर है वो आपका इसका रहेगा, आपको बताना है कि पौराणिक पात्र उर्मिला पर केंद्रित रचना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो पंचवटी बिल्कुल सही है, परंतु आप रामायण से इसको कंपेयर ना करें, ठीक है। अगर रामायण से आप देख रहे हो तो हो गया आपका सेट फिर। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से कौन सा रचनाकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है ये आपको बताना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो सम्मानित किए गए हैं, जिन्हें पुरस्कृत किया गया है, वो है आपके निर्मल वर्मा। महाभारत पर केंद्रित नाटक है ये आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 50 है, तो इसका जो राइट आंसर आपको वो बताना है कि महाभारत पर एक केंद्रित नाटक है वो कौन सा है वो आपसे इसमें पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर होगा वो आपको बताना है, महाभारत पर केंद्रित नाटक है अंधा युग, ठीक है। तो ये आपके 50 क्वेश्चन थे पेपर 2 के हिंदी में, इस प्रकार से आपको आएंगे, क्योंकि पेपर 2 और 3 अब एक ही हो गया, तो उसमें आपको किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। अगर पेपर 3 चाहिए तो कमेंट करिएगा सभी और वीडियो को लाइक करिए, और उसके बाद आपको मैं आज ही के आज आपको पेपर 3 हिंदी का लेकर आ जाऊँगा। आज के लिए इतना, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।